नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच भी अफवाह फैलाने वाले बाज नहीं आए। खासकर इन अफवाहों को हवा देते हुए वामपंथी हर बार पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों को नहीं छोड़ते। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण की वोटिंग के बीच ऐसे आरोप लगाए कि जिसकी पोल भी खुद पुलिस ने ही खोल कर रख दी। दरअसल हार की बौखलाहट में जब सपा ने बड़ा आरोप लगाया तो उस मुद्दे को लपकते हुए वामपंथी मीडिया भी दुष्प्रचार फैलाने में लग गया। अफवाह उड़ाई जा रही है कि ईवीएम मशीन में समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल का निशानी नहीं है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। वामपंथी मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने भी इस अफवाह को हवा देने के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि फरुखाबाद विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम में सपा का चिन्ह ही नहीं है। आगे लिखा कि करहल विधानसभा के भागपुर गांव में बूथ नंबर 244 और 245 पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अमनपुर विधानसभा 101 बूथ नंबर 324 पर सपा के लिए मतदान करने पर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक अन्य ट्वीट में श्याम मीरा ने कहा कि कन्नौज जिले की विधानसभा तिरवा की बूथ नंबर 296 पर ईवीएम में साइकिल चिन्ह वाला बटन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कन्नौज जिले की विधानसभा छिबरामऊ के बूथ नंबर 462 मोरा में पीठासीन अधिकारी पर ईवीएम मशीन की सील तोड़ने के मतदान से पहले ही वोट डालने के प्रयास के आरोप। उत्कर्ष सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल ने भी ट्वीट कर यही आरोप लगाया। इस ट्वीट को द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस ने श्याम मीरा सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए इस घटना को झूठा बताया। पुलिस ने कहा कि थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम क्राचन में बूथ संख्या 38 से सूचना मिली है कि सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाने पर चुनाव चिन्ह दिखता नहीं है। इस सूचना पर संबंधित इंजीनियर और पीठासीन अधिकारी की ओर से बताया गया कि घटना एकदम असत्य है। तो इस तरह से वामपंथी गैंग सपा की हार को देखते हुए बौखलाहट में अफवाह फैलाने में जुट गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इन अफवाहों की सबूतों के साथ धज्जियां उड़ा रहा है। वैसे भी वामपंथी और विपक्षियों का यह पेशा रहा है कि जैसे ही इन्हें किसी भी चुनाव में हार दिखती है तो ये लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।